Hi guys, welcome to our YouTube channel Electro Solutions, and today we are going to study about a topic named as power amplifier. Okay, so let's see. पावर एम्पलीफायर. ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन, सबसे पहले हमको क्या पता करना चाहिए, पावर एम्पलीफायर है क्या. लाइक पावर एम्पलीफायर क्या है? कुछ भी नहीं है, एक डिवाइस है. ओके, जिसके एक एंड पे हम इनपुट देंगे, इनपुट सिग्नल, दूसरे एंड पे हमको आउटपुट मिलेगा. आउटपुट क्या है? लोड रेजिस्टेंस सर्किट्स में लगता है. ओके, पावर एम्पलीफायर का काम क्या होता है? हमारा जो भी इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके आउटपुट में देगा. राइट, हमारा इनपुट सिग्नल था एक ये साइन वेव. ओके, इधर पे हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? सॉरी, इधर पे हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा. राइट, तो हमने क्या देखा, जो एम्पलीट्यूड है हमारे सिग्नल का वो बढ़ गया है. इधर स्मॉल ए था, इधर इतना हो गया, इधर कम था, इधर ज्यादा हुआ. तो बेसिकली पावर एम्पलीफायर अगर रियल लाइफ से जोड़ोगे तो क्या होता है, पावर एम्पलीफायर क्या होता है, लाइक हमने माइक यूज किया, कोई भी सिंगर है, वो गाना कोई ग्राउंड में अगर उसको गाना है तो वो चिल्ला करके या दहाड़ के नहीं गाएगा, वो सिंपली अपनी ही टोन में गाएगा, सिर्फ वो माइक यूज करेगा. माइक क्या करता है, माइक उसके वॉइस को लेकर कहाँ पे भेजेगा, मशीन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर्स, तो वो कुछ नहीं होते, वो हमारे होते हैं पावर एम्पलीफायर्स. ओके, वो क्या करते हैं, वो उसकी जो भी पिच है, वो जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा करके आउटपुट साइड पे देते हैं. आउटपुट साइड पे क्या होता है, स्पीकर. राइट, स्पीकर से हमको आवाज मिलती है. राइट, तो पावर एम्पलीफायर बेसिकली अभी लाइक हमको अगर माइक पे बोलना है, हम नॉर्मल पिच में बोल रहे हैं बट किसी को सुनाई नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे. वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब कुछ नहीं, हम उसका एम्पलीट्यूड क्या करते हैं, सपोज ये आउटपुट एम्पलीट्यूड जब एक पर्टिकुलर पर्सन को सुनाई नहीं आ रहा था तब सपोज एम्पलीट्यूड इतना था. राइट, हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम वाले नॉब को इंक्रीज किया, वॉल्यूम वाले नॉब को इंक्रीज किया, तो हमारा एम्पलीट्यूड सिग्नल इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया, सपोज ये. ये दोनों मेरे आउटपुट है, लेकिन जब हमने ये इंक्रीज किया तब ये क्या हुआ, हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो हमको और जोर से वो आवाज आती है. तो बेसिकली काम पावर एम्पलीफायर का यही होता है. अभी इसके क्लासिफिकेशंस कितने हैं वो हम देखेंगे. राइट, वैसे बेसिकली इसके तीन क्लासिफिकेशन है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. राइट, अभी हम क्या करेंगे, एक एक क्लास देखेंगे और उनके फॉर्मूलेज निकालेंगे जो हमको न्यूमेरिकल में यूज होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेम एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आएगी. मैं सारा कुछ बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं. सो प्लीज अभी दादा आप देखो, क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइप इज क्लास ए पावर एम्पलीफायर, एंड द सेकेंड वन इज क्लास बी,
थर्ड इज क्लास सी। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे क्लास ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर एनालिसिस, राइट। सो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, राइट। क्लास ए लार्ज सिग्नल और टॉपिक नेम इज क्लास ए लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर एनालिसिस। राइट, सबसे पहला है उसमें डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए, कौन सा है डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए। सर्किट डायग्राम आप देख लो, इसमें फिक्स्ड बायसिंग होती है। सबसे पहले क्या होगा, वीसीसी आरएल दिस इज कनेक्टर, दिस इज एमिटर एंड दिस इज बेस, राइट। सो from here we will take an output, right? Emitter हमारा क्या होगा, ground। IB में हमें capacitor लगाएंगे, IB sorry base में हमें क्या करेंगे capacitor लगाएंगे और RB हम connect करेंगे इसके और इसके बीच में, right? इस तरह से हमारा हो गया आरबी। बेस से हमने क्या किया, हमारा था कैपेसिटर, इधर से हमने इसको बी इनपुट दिया, राइट। ये इसका सर्किट डायग्राम है, इधर से आएगा करंट ऐसे, ऐसे कौन सा जाएगा करंट आई बी, राइट। इधर क्या जाएगा, आई बी जाएगा। आई बी के बाद इसके और इसके बीच का वोल्टेज डिफरेंस होता है वी सी ई, कलेक्टर और एमिटर के बीच के जो वोल्टेज होगा उसको इसमें अगर हम मल्टीमीटर ऐसे रख के चेक करेंगे तो क्या आएगा, वी सी ई आएगा, ठीक है। उसके बाद लाइक जैसे कलेक्टर और एमिटर के बीच में वी सी ई आता है तो बेस और एमिटर के बीच में क्या आएगा, वी बी ई, ठीक है ना। कलेक्टर और एमिटर के बीच में वी सी ई, तो बेस और एमिटर के बीच में वी बी ई, राइट। ये क्या है, कपलिंग कैपेसिटर सी सी। सबसे पहले अभी क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल में आएगा, न्यूमेरिकल कैसे आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी क्या करो, इस सर्किट डायग्राम को वीडियो पॉज करो और इस सर्किट डायग्राम को पहले आप कॉपी पे बनाओ, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं वो एक एक स्टेप में अभी आपको बताऊंगा, राइट। तो ये आप तब तक बनाना। अब हम बढ़ते हैं स्टेप वन की तरफ, न्यूमेरिकल में स्टेप नंबर वन हमारा होता है फाइंड क्यू पॉइंट। हम क्या करें, क्यू पॉइंट निकाल लें। क्यू पॉइंट क्या होता है, ग्राफ के बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो अभी क्यू पॉइंट के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे आप मैथ्स में लिखते हो ना x1, 2, like x line के coordinate क्या है 1 और 2, जो है like कोई graph है ये ऐसे है, x axis पे क्या है इस, ये है 1, 2, ऐसे लिखते हो। ऐसे ही क्या होता है, q point का भी coordinates होते हैं,
वो क्या होते हैं बता, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बी सी ई क्यू कॉमा आई सी क्यू। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा वो भी बताता हूं। आई पी क्यू एक फॉर्मूला है हमारे पास, आई पी क्यू बराबर हमारा होगा वी सी सी माइनस वी डी ई अपॉन आर बी, राइट। ये है वी डी ई की वैल्यू हो गई 0.7, राइट। वी सी सी हमको क्वेश्चन में दिया होगा, आर बी जो अभी हमने डायग्राम दिया था उसमें आर बी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो अभी ये क्या बन गया, वी सी सी माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय आर बी, ये बन गया, ये बन गया। आई सी क्यू बराबर क्या होता है, ये क्या हो गया बीटा। तो आई सी क्यू बराबर हम लिखेंगे बीटा ऑफ आई बी क्यू, समझे, आई बी क्यू इंटू बीटा। आई बी क्यू की जगह क्या है, ये है, ये हमारा आई बी क्यू है। आई सी क्यू क्या आता है, बीटा इंटू आई बी क्यू, ओके। अब अप्लाइंग केवीएल टू कलेक्टर सर्किट, अब जो अभी हमने इसके पहले सर्किट बनाया था इसके लिए, उसके लिए क्या करो, अब हमें क्या निकालना है, ये हमने निकाल लिया, ये अभी मुझे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कलेक्टर सर्किट पे क्या लगाएंगे, केवीएल। कैसे लगाएंगे देखो, गाइज हम थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल बनाने में भी मदद करते हैं, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे आपको। जैसे कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप प्रोजेक्ट में कोई भी अगर इश्यू आ रहा है आपके प्रोजेक्ट में या कोई हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमको ईमेल कर सकते हो या फिर हमको कॉल भी कर सकते हो। कॉल करने का टाइमिंग हमारा मॉर्निंग के 10 o'clock से इवनिंग में 7 o'clock तक ही है। उसके बाद आप कोई भी कॉल करोगे इलेक्ट्रो सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प होगी हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपको कॉल करना है तो आप 10 से 7 के बीच में, मॉर्निंग 10 से शाम के 7 बजे तक आप कॉल करो। और या फिर अगर आपको कोई भी लाइक कोड चाहिए, कोई भी कोड चाहिए ऑर्डिनो यूनो का या किसी भी प्रोजेक्ट में आपको हेल्प चाहिए तो आप हमको ईमेल कर सकते हो, राइट। हमारा गाइज इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम है सॉल्यूशंस इलेक्ट्रो। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे क्या है, हम काफी अच्छे अच्छे वीडियोस और आपके लिए कुछ पिक्चर्स अपलोड करते हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, ठीक है। तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। कोई भी आपको हेल्प चाहिए किसी भी सेम से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप हमको अपने कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो तो कोई भी नया वीडियो अगर हम लोग अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम कहाँ थे, हमें केवीएल लगाना था कलेक्टर सर्किट पे। अप्लाई केवीएल एट केवीएल टू कलेक्टर सर्किट, राइट। कलेक्टर सर्किट में जब आप उस सर्किट को देखो, आप केवीएल लगाओगे तो हमारी इक्वेशन आएगी वी सी सी माइनस
आईसी क्यू इनटू आरएन। आरएन क्या है? लोड रेजिस्टेंस। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि अज्यूमिंग लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 5 ओम या 5 किलो ओम जो भी होगा आपको दिया होगा, माइनस वीसीई क्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वीसीई क्यू निकालना है। आप इसको उस साइड ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी? वी सी क्यू इक्वल्स टू नथिंग बट वी सी सी माइनस आई सी क्यू आर एन, राइट? आर एन ये हमारी क्या हो गई? वी सी ई। इसका जो भी वैल्यू आएगा आप इसमें रखोगे, ये क्यू पॉइंट आ गया। आई सी क्यू की वैल्यू इसके पहले निकाल चुके हैं, वो आप यहाँ रखोगे, ये हमारा क्या हो गया? इसकी भी पता थी, अब हमें इसकी भी पता चलेगी, तो ये हमारा क्या हो गया? क्यू पॉइंट सॉल्व हो गया। सेकेंड स्टेप आता है एसी आउटपुट पावर निकालने का। क्या निकालना है? एसी आउटपुट पावर। एसी आउटपुट पावर हम कैसे निकालते हैं? स्टेप टू न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए स्टेप नंबर टू है फाइंड आउट एसी आउटपुट पावर, राइट गाइस? एसी आउटपुट पावर हम क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए डॉट सी, क्योंकि हमारा होता था वी एल आर एम एस बी एल आर एम एस इंटू आई एल आर एम एस। अभी ये याद नहीं रहेगा आपको, सिंपली पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी इंटू आई। तो वी एल क्या है? लोड का वोल्टेज। आई एल क्या है? लोड का करेंट। लेकिन कौन सी वैल्यू? आर एम एस वैल्यू। ऐसे याद रखना, पावर एसी जब भी आपको निकालना हो, पावर सिंपल फंडा क्या है? पावर इक्वल्स टू वी ऑफ वी इंटू आई। पावर कौन सी निकालनी है? एसी। एसी लिखा, लोड रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस। एसी पावर निकाल ले हो, सिर्फ वी एल और आई एल आप लिख नहीं सकते। एसी में हमेशा आरएमएस वैल्यू होगी, तो इधर लिख दो वी एल आरएमएस और ये आई एल आरएमएस। सिंपल। अब कैसे निकालते हैं वो भी और बता, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। वी एल आर एम एस इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन रूट टू आई एल आर एम एस इक्वल्स टू आई एल अपॉन आई एल आर एम एस इक्वल्स टू आई एम अपॉन दो टू, राइट? वी एम और आई एम क्या है? वी एम है पीक वैल्यू, ये है पीक करेंट। ठीक है, वी एम ये भी पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू किसकी? करेंट की, पीक वैल्यू, राइट? तो पी ए सी फिर हमारा पी ए सी क्या बनेगा? वी एम इंटू आई ऑफ एम आई एम सॉरी नॉट आई ऑफ एम वी एम अपॉन आई एम बाय टू, ये बना इसके आगे। गाइस मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जिधर भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट में करना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, वी एम कैसे निकालते हैं? पीक वैल्यू, मैंने पीक वैल्यू बोल दिया, अब आप बोलोगे पीक वैल्यू क्या होती है? पीक वैल्यू क्या होती है? लाइक सपोज कोई भी वोल्टेज है ये, तो ये और ये निकालता है, पीक टू पीक वैल्यू होती है। आपको आपके कॉलेज या टीचर ने पढ़ाया होगा प्रैक्टिकल में, आपको ये वैल्यू, आपको ये जो पीक टू पीक वैल्यू होती है, ये एक ये पीक, ये आपको मिलती है किस पे?
सियादों पे, राइट, सियादों पे आपको पीक टू पीक वैल्यू मिल जाएगी। तो वी एम बराबर क्या होता है, वी पीक टू पीक बाय टू, आई एम क्या होता है, आई पीक टू पीक बाय टू, ये वी एम और आई एम ऐसे आते हैं, ठीक है, आपके समझने के लिए था, नहीं आता है तो इसको भी लिख लो, ठीक है, ताकि आगे आपसे गलती ना हो। अभी हमने 2 2 4, राइट, हमें क्या पता था, पी ए सी बराबर वी एम आई एम बाय टू, अभी इनकी वैल्यू रखो, वी पीक टू पीक, आई पीक टू पीक, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू इंटू टू क्या बनेगा, वी पीक टू पीक, आई पीक टू पीक अपॉन एट, राइट। हमने क्या किया, पावर एसी आपको पता थी, वी एम इंटू आई एम बाय टू, वी एम क्या था, वी पीक टू पीक बाय टू, आई एम आई पीक टू पीक बाय टू, दोनों को उठा के हमने इसका वैल्यू और आई एम का वैल्यू इसकी जगह रखा, तो वी पीक टू पीक इंटू आई पीक टू पीक, अब टू पहले से था, दो ये टू और आ गए, सब मल्टीप्लाई हो गए बना ये टू, तो पावर एसी हमारा ये हुआ, राइट। अब पीक टू पीक क्या होगा बोलोगे, सब पीक टू पीक क्या होगा, पीक टू पीक भी बता देता हूँ, वी पीक टू पीक होता है वी मैक्स माइनस वी मिन, मिन बोले तो मिनिमम, ठीक है, और ये होता है वी मैक्सिमम। अभी आपको ग्राफ बना के बताया था, मैक्सिमम ठीक है। अब स्टेप थ्री आता है, स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं, इफिशियंसी देखेंगे, क्या देखेंगे, इफिशियंसी इसकी क्या पढ़ना है, क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड, क्लास ए एम्पलीफायर्स, स्टेप थ्री न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, स्टेप थ्री एफिशिएंसी जो कि होगी नीटा, ठीक है, नीटा हम निकालेंगे। अभी नीटा इफिशियंसी क्या होती है परसेंटेज में, वो होती है पावर ऑफ एसी अपॉन पावर डीसी इनटू 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, अब पावर डीसी पीएसी अभी हम इसके पहले निकाल चुके थे, पावर डीसी हम कैसे निकालते हैं, वीसीसी इंटू आईसी क्यू, जो होती है हमारी पावर किसमें, डीसी में, ये डीसी पावर हो गई, वी सी सी क्वेश्चन में दिया होगा, आई सी क्यू निकालना भी बताया था आपको फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ेंगे स्टेप फोर की तरफ, स्टेप फोर में क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द आउटपुट करंट, कारण जरूरत नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आपको भी पता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कभी निकल सकती जब आउट मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम करंट इनपुट करंट या मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आपको पता है, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाल लोगे। पावर डिसिपेशन, ठीक है, पावर डिसिपेशन हम भी निकालते हैं, पावर डिसिपेशन, ठीक है, पावर डिसिपेशन हम कैसे निकालते हैं, पी डी मैक्स अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, पी डी सी बराबर क्या होगा, पी डी बराबर
पता है पीडीसी बराबर पी पावर एसी प्लस पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन निकालना है तो पीडीसी माइनस पावर एसी करेंगे। अभी पावर डीसी क्या है? इनपुट, मतलब कि पावर इनपुट। अभी इसको पावर इनपुट क्यों बोला? इनपुट में क्या देते हैं? वीसीसी। वीसीसी किस में आता है? इसमें आता था, अभी याद दिलाया था ना, पावर डीसी। पावर डीसी निकालते थे ना वीसीसी इंटू आईसी क्यू, याद आया? तो इसीलिए हमने क्या किया, इनपुट पीडीसी वीसीसी आता है। और वीसीसी हम कहाँ से देते हैं? एक्सटर्नल सप्लाई से, 12 वोल्ट या 5 वोल्ट। तो हमने इसको लिया, ये क्या हो गई हमारी पावर इनपुट। ठीक है, पावर इनपुट इक्वल्स टू पावर आउटपुट प्लस पावर लॉस। जो बोलोगे पावर डिसिपेशन तो अब आ गया पावर लॉस। भाई साहब पावर डिसिपेशन कुछ नहीं होता है, जो भी पावर लॉस होती है उस एम्पलीफायर में वही होता है हमारा पीडी। पीडी क्या होता है? डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन। ठीक है, तो फाइनल हमारा पावर डिसिपेशन कितना होता है? डीसी पावर माइनस एसी पावर, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। फाइनल पावर लॉस, अगर हमें किसी भी सर्किट में पावर लॉस बताना है, आपको न्यूमेरिकल पता है कैसे आएगा? इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी आपसे, अभी जितना स्टेप वन से लेके अभी स्टेप 4-5 तक जितना भी मैं आया हूँ वो आपसे पूछेगा। ठीक है, और पांचों पॉइंट एक साथ नहीं होगा, आपका लिखा जाएगा न्यूमेरिकल, फिर उसके नीचे लिखेगा इवेलुएट, और ऐसे पॉइंट्स मिलेगा 1, 2, 3, 4। और बीटेक में क्या होता है, सेमेस्टर में एक फर्स्ट वाला 2, अगर इधर आपके 5 पार्ट हैं 10 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर उसने आपसे 5 पॉइंट्स पूछ लिए पूरे 5 स्टेप तो आपका न्यूमेरिकल 10 मार्क्स का होगा, क्योंकि सब में आपको मेहनत करनी है, सारा कुछ निकालना है, आई सी क्यू वी सी ई क्यू। तो क्या होगा, 10 मार्क्स आपको इधर गारंटीड फुल मार्क्स मिलता है। अगर आप कोई एक स्टेप नहीं भी करोगे, लाइक 2 आपने नहीं किया तो आपके, लेकिन अगर आपके बाकी सही है तो आपके 8 मार्क्स तो पूरे हैं ना, इतना तो आपको भी पता होगा न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इसको अच्छे से करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ताकि सेमेस्टर में आए तो आप छोड़ो मत, सेमेस्टर हो या इंटरनल एग्जाम्स हो तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, राइट? अभी नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन करा, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, फॉर द क्लास ए डायरेक्टली कपल्ड एम्पलीफायर कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना है, बी सी ई क्यू, परेशान मत हो मैं वैल्यूज दूंगा। ठीक है, अभी हमें क्या क्या निकालना है, बी सी ई क्यू आई सी क्यू पी डी सी पी ए सी, और हमको क्या निकालना है, एफिशिएंसी, दैट इज नीटर। इफ अभी गिवन क्या है, गिवन देख लो, बीटा इक्वल्स टू 60 एंड आरएमएस बेस करंट ड्यू टू एसी इनपुट इज 2 मिली एम्पियर। अभी हमें क्या दिया है, एसी इनपुट, एसी इनपुट दिया है आईसीआर में 2 मिली एम्पियर, राइट? आरबी हमको दिया हुआ है 1 किलो ओम्स, वीसीसी गिवन है क्वेश्चन में 12 वोल्ट्स, लोड रेजिस्टेंस आरएल दिया हुआ है
टोन्स, राइट। सबसे पहला स्टेप क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट में क्या निकालते हैं, आई सी क्यू और वी सी ई क्यू। आई सी क्यू बराबर हमारा होता है फॉर्मूला बीटा इंटू आई बी क्यू। बीटा हमारा क्या हुआ हुआ है, अभी पुराना फॉर्मूला याद करो, पुराना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता था, आई बी क्यू, आई बी क्यू हम क्या लिखते थे, वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी। ओके, तो बीटा आई बी क्यू की जगह हमने लिखा वी सी सी माइनस वी बी हो गया वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर सी, राइट। इधर हमने लिखा 0.6 कितना दिया है 60, बेटा हमारा दिया है 60, ठीक है। तो अभी मैंने इधर लिखा 0.7 अगर मैंने लिया, तो ये अभी आप सारे कुछ वैल्यूज आप प्लेस करोगे तो अभी आई सी क्यू क्या आएगा, आई सी क्यू बराबर हमारा आएगा 0.0113, 0.0113 आर बी, राइट। सेकेंड स्टेप क्या है, बी सी ई क्यू निकालो, क्योंकि अभी हम तो क्यू क्यू पॉइंट पर ही चल रहे हैं ना, अभी हम क्यू पॉइंट पे चल रहे हैं, हमें क्या निकालना है, बी सी ई क्यू, बी सी ई क्यू बराबर फॉर्मूला याद करो, बी सी सी माइनस आई सी क्यू आर एल, ठीक है, 12 वोल्ट माइनस आई सी क्यू हमारा आएगा 0.0113 इंटू आर एन, आर एन हमारा 8 ohms, आर एन की वैल्यू रख दो, ये हमारा निकल के आएगा 6.576 volts। तो क्यू पॉइंट हमारा कितना हो गया, क्यू पॉइंट हमारा निकलेगा बी सी ई क्यू, बी सी ई क्यू और आई सी क्यू, आई सी क्यू इसका वैल्यू कितना हो गया 6.576 volts, आई सी क्यू हो गया 0.0113, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, क्यू पॉइंट। सेकेंड, सेकेंड स्टेप था हमारा पावर क्या निकालना था, आई वी सी ई हमारा निकल गया, वी सी ई क्यू निकल गया, आई सी क्यू पावर पी डी सी निकालनी है, ठीक है, और पी डी सी इज इक्वल्स टू वी सी सी इंटू आई सी क्यू, ठीक है। आई सी क्यू वी सी सी है हमारा 12 volt, आई सी क्यू 0.0113 विच इज इक्वल्स टू 8.136 watt, राइट। पावर एसी ये भी हमारा निकल गया, अभी हमारा ये भी निकल के आ जाएगा, पावर एसी हम क्या करते थे, वी एल आर एम एस इंटू आई एल आर एम एस, वी एल आर एम एस इंटू आई एल आर एम एस, ठीक है। तो आई सी आर एम एस वी एल आर एस से निकल के आएगा कितना 0.1152 watt, 0.1152 watt। अभी सेकेंड, अब हमें लास्ट ऑफ क्या निकालना है, इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होती है, पावर ए सी अपॉन पावर बी सी इंटू 100, वैल्यू रखो, आंसर निकालो, आंसर आएगा 1.41% खत्म नंबर को।
कुछ भी नहीं है। ओके तो गाइस आगे का हमारा टॉपिक है डिस्टॉर्शन इन पावर एम्पलीफायर, राइट। अभी डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिस्टॉर्शन में मतलब बहुत टाइप का होता है, लाइक नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड या हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो अभी हमने क्या ले लिया? एक सिग्नल ये क्लास बी का मैं आपको बता के बता रहा हूँ। ऑल्दो इक्वल नहीं, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, उस पर ध्यान मान लो। 0.7 वोल्ट और ये 0.7 वोल्ट, राइट। 0.7 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, तो इससे हम क्या करेंगे? ड्रॉप डाला हमारा, तो जिधर पे हमारा ये कट हो रहा है उसके पहले हमको क्या मिलेगा? जीरो, राइट। अभी हमारा ये जो साइकिल है ये इधर से स्टार्ट होगा, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना, इधर से यहां तक जाएगा, फिर से जीरो, सेम आपका पूरे साइकिल में होगा। अभी आपको इधर से ऐसे मिलेगा, इधर से ठीक है। इट इज प्रेजेंट ओनली व्हेन टू डिवाइसेस आर यूज्ड। ये मैं आपको डेफिनेशन फिर से एक बार बता रहा हूँ। It is present only when two devices are used to amplify the two half cycles of input signal and when the device are biased at cutoff region. At the crossing of conduction from one device to another, the output remains zero or very small. Output या तो zero होगा या फिर बहुत ज़्यादा small होगा। इसकी वजह से हमको क्या मिलता है? Crossover distortion मिलता है। So guys, आज हमारे वीडियो में इतना ही रहेगा। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और इसके बाद अभी हम एक मिनी प्रोजेक्ट का वीडियो शूट करके हम लोग डालने वाले हैं। प्लीज़ गाइस उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको एक प्रॉपर हेल्प मिल सके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इतना टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं। लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करने के बाद आईटी सेक्टर में जाते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। बहुत सारा स्कोप है, बस कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर रखने होंगे। तो गाइज मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।